हिमाचल वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने धेरा में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। धेरा वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में खुशी का माहौल होता है कि तकरीबन 78 वर्ष पहले गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस देश को आज़ादी मिली। कई महान सपूतों ने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। मुझे खुशी है कि पहले परमवीर चक्र विजेता जो देश के बने वो हमारे कांगड़ा जिला से थे। और निश्चित तौर पर हम सब लोगों को आज आज़ादी के इस पर्व में सबको सम्मिलित होकर आगे बढ़ना है, यही हमारी सरकार का संकल्प है। देखिए, आपदा प्रदेश में दूसरा वर्ष लगातार आपदाओं प्रभावित रहा है। मैं खुद समेज गया था, काफ़ी दुखद घटना वहाँ हुई है। अभी भी हमारी सरकार वहाँ डेड बॉडीज़ को, जो मिसिंग है, उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। अभी हमने उस अभियान को समाप्त नहीं किया है, लेकिन आपदा के बाद जो प्रदेश को बसाने का जिम्मा भी हिमाचल प्रदेश सरकार का है, जो भारत सरकार के द्वारा आपदा के बाद पीडीए ने मिलना था वो पिछले वर्ष का अभी तक नहीं मिला है। और इस प्रकार दूसरी आपदा भी इस वर्ष आई है, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम आपको सभी प्रकार की सहायता मिलेगी, क्योंकि वो सहायता मिलना निश्चित है। वो जो टैक्सेस का शेयर होता है उसका एक भाग आपदा के बाद पीडीएनए के रूप में निर्धारित किया जाता है, उस भाग को पिछले एक वर्ष से हम मांग रहे हैं। तो मेरा आने वाले समय में जो बैठक होगी तो वो हमें मिलेगा। उसका मतलब होता है पोस्ट डिजास्टर्स नीड्स असेसमेंट, जो हमारा आंकलन किया जाता है, उस आंकलन के तहत पर एस्टिमेट बनाए जाते हैं और भारत सरकार को भेजे जाते हैं। देहरा के लिए घोषणाएं भी की हैं सर आज। मैंने देहरा में पाया कि देहरा में 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो ज्वालामुखी है, चाहे जसवा परागपुर है, चाहे देहरा है, यहाँ बिजली की समस्या की थोड़ी कमी है। तो यहाँ SC सर्कल बिजली का खोलने की हमने घोषणा की है। और दूसरा IPH का, पानी के लिए भी स्वच्छ जल मिले, SC ऑफिस IPH की खोलने की घोषणा की है। और देहरा का अपना BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स नहीं था, उसको भी खोलने की घोषणा की है। एक घोषणा मैं और करना चाहता हूँ, मैंने वहाँ नहीं की, कि देहरा में जो हॉस्पिटल्स की, मुझे यहाँ के विधायिका कमलेश ठाकुर ने बताया कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ जल्दी ही एक क्लिनिकल डिजीज़ के लिए एक हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाएगा, जहाँ जो बीमारियाँ होती है उसका तुरंत प्रभाव से इलाज कर दिया जाए। और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे देहरा के जो आस पास के क्षेत्र हैं उनको में विकास किया जाएगा, क्योंकि आज तो पहला प्रोग्राम है। और इसके बाद जब हमारी बैठक होगी, आज मैंने शाम को देहरा के अधिकारियों की बैठक बुलाई है, उसके आधार पर हम आगे कैसे देहरा, ज्वालामुखी और जसवा परागपुर के विकास को आगे करना बढ़ाना है, साथ लगते चिंतपूर्णी क्षेत्र का भी, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सब चीज़ें समय के अनुसार अच्छी लगती है। धन्यवाद। नहीं, जहां 99 स्कूल है जहां एक भी बच्चा प्राइमरी सेक्शन में एडमिशन नहीं लिया, उन स्कूलों को हमने मर्ज करने का निर्णय लिया है। 10 मिडिल स्कूल है, जहां भी 5 से कम बच्चे हैं उसमें अगर 4 बच्चे भी है 2 किलोमीटर के दायरे में, 7 वाले स्कूल में उनको मर्ज करने का हमने निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देने जा रहे हैं। क्वालिटी के क्षेत्र में, शिक्षा की क्वालिटी के क्षेत्र में हम पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मेरा प्रयास है
कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पूरे टीचर्स हों, और अगर हमें एक पंचायत में कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक बच्चे को भी पढ़ाने के लिए गाड़ी का किराया देने की जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार एक बच्चे के गाड़ी के किराए के लिए 20,000 रुपया तक भी खर्चने को तैयार है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना था लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं आ पाए। उस दिन बहुत बारिश थी और अब उनका जब भी भविष्य में समय लगेगा तो अब उस समय आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाने की बात कही थी। धन्यवाद।